हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हार्ड डिस्क क्या होता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव एक क्या होता है, एक ड्राइव होता है जिसमें हार्ड डिस्क लगाए जाते हैं। तो हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है जिसमें डेटा को परमानेंटली तरीके से स्टोर किया जाता है। यानी कि जो भी फाइल, फोल्डर, मूवीज, गाने, जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। और जो हमारा हार्ड डिस्क, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो भी हमारा हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल होता है। तो हार्ड डिस्क में जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। साटा होता है, पाटा होता है, उसके बाद से आपका स्कजी होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, वायरलेस हार्ड डिस्क होता है। अब हम सबके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है पाटा। पाटा जो होता है, पाटा हार्ड डिस्क जो होता है, ये पहला, इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ये जो होता है ओल्ड वर्जन है, पहले यूज होता था। इसका जो स्पीड होता है 100 MB से लेकर के 133 MB पर सेकेंड होता है। ये जो प्रोग्राम होता है इसमें मैक्सिमम जो डिवाइसेस हम 4 हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम 4 हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड। यानी कि एक पोर्ट से 4 हार्ड डिस्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत पहले यूज होता है, इसमें 100 GB, 160 GB तक हार्ड डिस्क आते थे। बट साटा इसमें लेटेस्ट में हमारा जो हार्ड डिस्क यूज हो रहा है, जो लैपटॉप में और जो भी नए हम कंप्यूटर मार्केट से परचेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें साटा आती हैं। जो हार्ड डिस्क उसमें जो होती हैं वो साटा होती हैं। सीरियल अटैचमेंट टेक्नोलॉजी, जो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, जो कि देखिए पाटा जो होता है आपका, ये 40 पिन का होता है। इसकी स्पीड जो होती है, अगर कंपेयर किया जाए साटा से, तो इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। और जो इसमें मैक्सिमम जो होता है 4 डिवाइस को कनेक्टेड किया जा सकता है। सीरियल जो एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, यानी कि साटा जो होता है, इसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड होती है 600 MB पर सेकेंड होती है। देखिए यहाँ पे 100 MB से लेकर के मैक्सिमम 133 MB पर सेकेंड ही है, लेकिन जो इसमें हार्ड डिस्क की जो स्पीड है 600 MB पर सेकेंड है। और इसमें ये जो होते हैं, ये 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, जो केबल की लंबाई होती है। बट इसमें ये 7 पिन का कनेक्टर होता है। बट इसमें ये होता है कि एक ही डिवाइस को कनेक्ट किया सकते हैं, यानी एक केबल से एक ही हार्ड डिस्क को हम कनेक्ट कर सकते हैं, वो साटा होता है। उसके बाद से आपको आता है स्कजी। स्कजी का फुल फॉर्म जो होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये जो हाई स्पीड इंटरफेस, जो हाई स्पीड सर्वर के लिए जो हार्ड डिस्क यूज की जाती है, रेड वगैरह जब हम कन्फिगर करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो हार्ड डिस्क यूज होती है वो स्कजी हार्ड डिस्क जो यूज होती है। इसकी स्पीड काफ़ी ज़बरदस्त होती है और इसमें मैक्सिमम 15 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं, जो कि बाहर से लगाते हैं, यानी USB हार्ड डिस्क इसे बोलते हैं, जो कि हम बाहर से अटैच करके अपना काम कर लेते हैं। हार्ड डिस्क बाहर से अटैच करते हैं, यानी कि USB पोर्ट में जो ड्राइव, जो हार्ड डिस्क कनेक्ट किया जाता है, उसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं। वायरलेस हार्ड डिस्क, नाम से ही पता चल रहा है कि जो वायरलेस हार्ड डिस्क है, बिना वायर का होता है, यानी कि दूर बैठा हुआ हार्ड डिस्क को भी हम एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, उसके डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और जो इसकी स्पीड होती है 54 MBPS पर सेकेंड होती है। जो ये कनेक्ट होता है, ये RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट होता है। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि हार्ड डिस्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है और सारे हार्ड डिस्क का यूजेस क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नए वीडियो को अपने मेल बॉक्स में आप ले सकते हैं। लाइक करना हमारे वीडियो को न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।